स्टूडेंट्स वेलकम इन दैक्चर ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहीटर कॉम्प्लेक्सेस तो आपका फिर से स्वागत है इस रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर में जहां पर हम ऑक्टा हिटर कॉम्पलेक्सेज की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर मैटल लिगेंड बॉन्ड के क्लीव के बिना ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सो वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहीटर कॉम्प्लेक्सेस विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस मैनी काइंड ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्सेस तो हम पहले ही कई सारी तरीके की जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उनको डिस्कस कर चुके हैं एसिड uh, हाइटोलिस हमने डिस्कस किया एनेशन रिएक्शन डिस्कस की और यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जहां पर मेटल लिगेंड बॉन्ड ग्लीव टूटेगा नहीं तो ये देखेंगे कि किस तरीके की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हैं जहां पर मेटल लिगेंड बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाती तो generally है तो जनरली ये कैसी रिएक्शन हैं दीज आर एक्वेशन रिएक्शन एक्वेशन रिएक्शन हैं जनरली ये और ये जो रिएक्शन हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के थ्रू होती है जैसे आपने इससे पहले देखा था जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आपने इससे पहले देखी थी एसिड हाइड्रोलिसिस देखा था एनिशियल रिएक्शन देखी थी लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का एग्जाम्पल है और जनरली ये रिएक्शंस क्या है डी कार्बोक्सीन रिएक्शन है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती है और ये एग्जाम्पल है देखिए एक जो कॉम्प्लेक्स है कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स मीन्स कार्बोनेट का कॉम्प्लेक्स है ओके okay? तो ये जो कार्बोनेट का कॉम्प्लेक्स है सीओ थ्री यहाँ पर लिगेंड है ये एसिड की प्रेजेंस में सीओ टू यहां पर इवॉल्व होता है इसलिए इसको हम डिकार्बोक्सीन रिएक्शन भी कहते हैं और ये एग्जाम्पल है उस रिएक्शन का जहां पर मेटल और लिगेंड यानी कोवॉल्ट और कार्बन जो कार्बोनेट है इसके बीच में बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है बॉन्ड एसिड ही रहता है तो इसकी मैकेनिज्म को हम अगर देखेंगे तो इसकी जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की वो जनरली थ्री स्टेप मैकेनिज्म है। है? स्टेप पे क्या होता देखिए ये कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स है जहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो कोबोल्ट है जो मेटल सेंटर है ये इस कार्बन जो कार्बन carbon, कार्बोनेट है इसके साथ ही ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है तो यहां पर स्टेप वन में क्या है जो एसिड जो प्रोटोनेशन है पहले वो होता है ऑक्सीजन एटम जो कार्बोनेट का है उसका प्रोटोनेशन होगा तो ये प्रोटॉन कहां पर अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा ये प्रोटॉन की फॉर्म में अटैक कर रहा है इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोटोन का एडिशन हो गया है और ये प्रोटोनेटेड इंटरमीडिएट का फॉर्म शन हो गया है सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड विद लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो कि हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स होगा तो स्टेप टू में क्या हुआ बच्चों ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो तो क्लीव होगी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई लिबरेट हुई और स्टेप थ्री में क्या होगा स्टेप थ्री में जो एक और प्रोटॉन है वो प्रोटॉन यहां पर फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और ये देखिए आप इसका एक्चुअली क्या हुआ हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये एच टू ओ मॉलिक्यूल बन गया है और यहां पर ये कार्बोनेट जो था वो एच टू ओ से रिप्लेस हो गया लेकिन जो इस वॉटर मॉलिक्यूल का जो एक ऑक्सीजन है वो कार्बोनेट का है और एक ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन है एक्चुअली ये क्या है कार्बोनेट का ऑक्सीजन कार्बोनेट का ऑक्सीजन ये है ये हम इसकी मैकेनिज्म के थ्रू अभी देखेंगे तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर तीन स्टेप में रिएक्शन है पहली स्टेप प्रोटॉन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा प्रोटोनेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी फिर सेकेंड प्रोटोन आइटम जो है वो यहां पर एड होगा लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बोनेट की ऑक्सीजन है ये जब इसकी लेबलिंग के थ्रू जो जो ओ है ऑक्सीजन इसको 18 से जब हम लेबल करते हैं तो ये ऑक्सीजन की लेबलिंग से पता चलता है कि ये ऑक्सीजन कार्बोनेट का है मैं इस इस ऑक्सीजन को लेबल करूं देखिए किसी पर्टिकुलर कलर से मैं इसको आपको लेबल करके अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो किसकी थी सॉरी इसको एक्सक्यूज में इसको मैं हाईलाइट करूंगी हाईलाइट करके जब आप देखेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये देखिए कार्बोनेट ओके okay. ये ऑक्सीजन यहां पर भी ऐसी रही तो इसका मतलब ये कार्बोनेट की ऑक्सीजन है देन ये ऑक्सीजन ऐसे ही रही और ये ऑक्सीजन जो है वो किसकी है कार्बोनेट की है इस तरीके से आप देखेंगे ये जो बॉन्ड था कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो कौन सी है कार्बोनेट की है इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं जहां पर मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो नहीं टूटता है इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो कोबाल्ट नाइट इटो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है जो कोबाल्ट का एक्वा कॉम्प्लेक्स है वो सब्स्टिट्यूट करता है एनो टू माइनस से रिएक्शन करके और जहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है वो जो बॉन्ड होगा कोबाल्ट और किसके बीच में लिगेंड के बीच में वो ब्रैक नहीं होता तो यहां पर आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं जैसे देखिए ये H2O टू यहां पर एक्वा कॉम्प्लेक्स था इसने जब टू एन से रिएक्शन करी तो ये एन टू ओ थ्री जो है वो इवॉल्व हुआ और ये ऑक्सीजन ऐसे ही अपनी जगह पर है इसको हमने देखिए लेबिल किया हुआ है और ये ऑक्सीजन अपनी जगह पर है और एक एच डीओ मोलिक्यूल लिपरेट हो गया फिर ये जो ये एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स है पिंक कलर का इसलिए मैंने आपको दिखाया पिंक कलर का जो हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स है ये फिर एन टू ओ थ्री से रिएक्ट करेगा और एन टू ओ थ्री से रिएक्ट करके इस तरीके का एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो अपनी जगह पर फिक्स है कोई ब्रैकेज नहीं हुआ है सीओ और ऑक्सीजन के बीच में यानी जो एच टू ओलिगेंड है उसका जो ऑक्सीजन है वो कोवॉल्ट से जुड़ा हुआ है लगातार रिएक्शन में बना हुआ है और यहां पर आप देख रहे हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये जो एच एन ओ टू है ये लिपरेट हो गया और ओ एनओ यानी एनओ टू जो है वो यहां पर ज्वाइन हो गई तो इस तरीके से आप देखेंगे जो ऑक्सीजन पहले थी वही ऑक्सीजन लेवल्ड ऑक्सीजन यहां पर दिखा दे रही है इसका मतलब कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज नहीं हुआ है बिना क्लीवेज के ही ये रिएक्शन हो रही है फिर आप इसके अलावा जो और जो इसका एग्जाम्पल देखेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स टू अमोनिया तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये एक ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स है ये ऑरेंज कलर के कॉम्प्लेक्स में ही कन्वर्ट हो रहा है तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे है देखिये नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है है तो ये जो रिएक्शन है यहां पर भी आप देखेंगे कि यहां पर जो एन है वो के साथ बाइंडेड रहेगी और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा इसी तरीके से यहां पर और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रैक नहीं होता है वो ऐसे ही अटैच रहता है और ये रिएक्शन हो जाती है ओके okay? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने देखा कि किस तरीके से सब्सिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप और है देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हम इतने तरीके की रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस और ये एक अलग तरीके की रिएक्शन है जहां पर मैंने आपको ये रिएक्शन जो दिखाई थी मतलब ये पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स था पिंक कलर के कॉम्प्लेक्स में ही कन्वर्ट होता है लेकिन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन दिस सेंट्रल एटम एंड लीक तो ये थ्री स्टेप प्रोसेस है मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों ये थ्री स्टेप प्रोसेस है पहले स्टेप में होता क्या है कि जनरली ये जो जो ऑक्सीजन है कार्बोमेटो के ये कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स के केस में प्रोटोनेशन तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और जब ये हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल एंड देन देन फॉर्मेशन ऑफ लिगेंड फिर से ये लिगेंड जो है वो प्रोटोन से रिएक्ट कर जाएगा इसी तरीके से और भी हम uh, जो मैकेनिज्म है वो uh, यहां पर आप देख रहे हैं कि नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी यही मैकेनिज्म अप्लाई होता है और जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड से अम, अमोनिया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो भी आप देखेंगे कि जो ब्रैकेज है जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रैक नहीं होता है ओके सो so, इस तरीके से आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस की वो यहां पर कंप्लीट होती हैं Okay. तो यहां पर हमने कंप्लीट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस की अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वहां पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस की ओके सो थैंक यू वेरी मच